En cualquier mano de ese gusano, ahí. बच्ची का बैठ लो बच्ची का कैसे दिल कर डीटीसी बस के नीचे छोड़ के गए थे बताओ यार बस वाला देख लिया बस के नीचे बंद बस खड़ी हुई उसके नीचे अगर कोई कुत्ता बिल्ली काट लेता फिर क्या होता फिर और मतलब ऐसे ही डाला हुआ था कपड़े वपड़े में ऐसे ही ऐसे छोड़ दिया ये रोई होगी तो पता लगा नहीं बच्ची आवाज कितनी है बच्ची मैम थोड़ा बस झुक के बैठो मैम ले कौन सा वाला में आ जाएगा ये सभी पर चलेगा आज तक पे इंडिया न्यूज पे न्यूज नेशन पे जी पर शाम को आएगा अभी चल जाएगा दो तीन घंटे इतना प्यारा है फिर तो कमल की वो फोटो हट जाएगी मेरा कुछ करना है मेरा को लेना पड़ेगा हां इसके मुंह दिखाओ थोड़ा मुंह दिखाओ ये आके खोल दिया इस उम्र में बच्चे को लेना पड़ रहा है रात को तो बहुत ही होता लेकिन इससे किस्मत भी अच्छा है ना कोई नहीं तो भी सब लोग हैं नहीं हमारे वार्ड में ये मिले करके डाला था 1.5 महीने रही थी वो 1.5 महीने बस के नीचे बंद बस के नीचे जैसे हां चले यहां पे उसके नीचे डाल के बस अच्छा आपको देख कर रही है उसके बदले में फोटो खींच रही है अंग बोल देता है मतलब बिल्कुल वो एक मीना अच्छा बच्चों का अपना इकट्ठा चलो एक ले दो अभी दूध मिल गया ना तब तक ऐसा थोड़ी देर बहुत रो रहे थे ना पहले कोई नहीं हो गया काफी बना लिया हो गया डॉक्टर से इंटरव्यू ले अभी नहीं कोई नहीं कोई नहीं अभी हाथ डाल लीजिए अब आप हाथ डाल मतलब भी बढ़िया चीज़ है।
बच्चा मिले मैं छुट्टी पे ना हूँ मेरे नाम को डिसीडेंट और ऐसी कोई पहले ये इंजॉय तुम ना गया और फेस भी थोड़ा दिखा दो तेरे भी काम है अरे इतनी कितना खींचा आप लोग हिसाब सब आना चाहिए कर दो मैं तो मैं ट्रेनिंग है कर क्या हां हां मेरी बात सुनिए मुझे शंकराचार्य को लपेटना है ठीक है साहिब वो जो बोल रहा है उसने इसलिए आप मुझे पूछ बना के दीजिए मैं चला दूंगा ये बार आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं चेंज किया है व्हाट टाइप ऑफ ये वही चल रही है नहीं सर उसको हां मुझे सब सही किया है और भी सही करता हूं नहीं पता है सही कर रहा हूं अभी से क्लैंप लगाया है क्लैंप लगाना होता हां अब क्लैंप किया है साहब ये बच्चे कब आई थी कितनी तारीख को आई थी किस सिचुएशन में आई थी ये बच्चा कल पुलिस द्वारा लाया गया है करीब 9:15 बजे कैजुअल्टी में और ये बच्चा त्रिलोकपुरी में एक बस के नीचे मिला है और किसी ने इसको छोड़ दिया है लड़की है करीब लगभग 1 या 2 दिन का उम्र है इसकी और जब ये लाई गई थी तो उस समय ठंडी थी इसका टेम्परेचर कम था नॉर्मल से और एक्टिविटी भी कम थी यहाँ लाने के बाद उसका टेम्परेचर दोबारा ठीक किया गया है और उसके जो नाभ काटी गई थी वो भी गंदे तरीके से काटी गई थी तो उसको दोबारा से हमने क्लैंप किया है तो उसके बाद से बच्चा ठीक है टेम्परेचर मेंटेनेंस होने के बाद से दूध भी ठीक से पी रहा है और अब उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं सेप्टिक रूल आउट करने के लिए और अगर सब बच्चा ठीक ठाक रहा तो उम्मीद है कि हम 1 या 2 दिन में इसको आगे ट्रांसफ़र कर पाएंगे हमारे यहाँ ड्यूटी पे 4 डॉक्टर्स रहते हैं 2 सीनियर रेजिडेंट और 2 जूनियर रेजिडेंट सब लोग इसकी देखभाल करने में लगे हुए हैं हमारी सिस्टर्स सारी भी लगी हुई हैं और एक पुलिसकर्मी भी हैं महिला पुलिसकर्मी जो इसके लिए रात दिन तैनात हैं और वो इसका दूध वगैरह का इंतजाम भी कर रहे हैं ये तो पुलिस वाले बेहतर बता सकते हैं लेकिन हमारी जानकारी है कि बस के नीचे मिला है बच्चा और त्रिलोकपुरी एरिया में ब्लॉक 12 में मिला है एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ बस के नीचे टायर के नीचे था नहीं था वो हमको नहीं पता पुलिस वाले बता पाएंगे हाँ जिस समय बच्ची आई थी तो उस समय बच्ची ठंडी थी क्योंकि इसको काफ़ी देर एक्सपोजर हो गया था खुले हवा का तो हमारे पास आने के बाद हमने इसको कवर किया है और उस वजह से टेम्परेचर इसका ठीक हो गया है और अब वो दूध ठीक से पी रही है हाँ अधिकतर ये जो हमारे पास जो केस आ रहे हैं पहले भी 1-2 बार आए हैं तो सारी वो गर्ल्स ही होती हैं तो ऐसा लगता है कि समाज में गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा बायस है उनके अगेंस्ट तो ये नहीं होना चाहिए और सबको बराबर देखना चाहिए लड़का या लड़की को तो जितने भी आते हैं इस तरह के बच्चे अधिकतर गर्ल्स होती हैं बच्चा तो सही पर इसकी माँ मर गई है ना इसकी क्या करेंगे यार बताओ अच्छा ना अच्छी औरत का पला हुआ फिर में अच्छे घर का अच्छे घर का पला हुआ है तो सब बच्चे की हालत बता रही है खाने पीने की इसकी सीधे बच्चे की क्या मजबूरी ना ये
इसको कुछ पता नहीं है, देखो इतनी छोटी सी, मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हो रहा है। इसका जब ब्लड सैंपल भी ले रहे थे तब भी नहीं रो रही थी, नहीं रो रही थी। मजबूत गरीब इंसान की होती ना तो बच्चे के चेहरे पर ना हाथों पर सूखी सी पड़ी होती है, देखो दो मिनट में बुरा भी हो जाएगा। ये तो नेबर है, ये पड़ोस के। ये तो चौबीस घंटा ही है। जब तक तैयार नहीं जाएगा इसकी बात जाओ घर से। मच्छा कितना सुंदर हां तो कितना मैसेज आ गया नहीं क्या? ना ना कोई दिक्कत नहीं उधर नहीं वो हॉस्पिटल है। हां हमें हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिना मरना यही है। नहीं तो लेके मैं लोग पकड़ के टांग देंगे मुझे है ना। कोर्स भी डालो किसी पेन पिक्चर है सभी अलग अलग चैनल अच्छा इसके लिए कपड़ा भी आ गया है। मैम की दोनों से कर लो जब सेवा कर रही बच्चों की कैसे किया। हाँ हाँ हम तो कर रहे हो गया ना नहीं सेवा किया ले चुके हैं मेरे साथ में जितना हाँ सब का हो गया ले स्पेस होना चाहिए सही ठीक है। मैडम क्या नाम है आपका? बीना। बीना जी ये बच्ची जब आई यहाँ पर तो क्या हाल थी और तब से आप इस सेवा में लगे हैं क्या? बच्चे सीखते हैं मतलब जो है क्योंकि बाहर रहने से तो बच्चे अल्टीमेटली थोड़ा सा वो हो जाता है ठंडा हो जाता है। तो हमने उसको पूरा कवर किया अच्छी तरह से और फीड भी दिया है मिल्क वगैरह दिया है और गर्माहट में रखा है कंबल वगैरह में रख के वो किया है। अभी क्या हाल है? अभी बच्चे ठीक है फीड वगैरह ले रहे मिल्क वगैरह ले रहे वैसे अभी ठीक है बच्चा। जो लड़का है लड़की ये फीमेल बेबी है लड़की है। क्या लगता है आपको ये सड़क किनारे एक माँ छोड़ के जाती है? देखो वो हम तो इसमें उसकी मजबूरी हो सकते है माँ की एक बात वही है जो है ना तो उसके पास हो सकता है कि उसके पास ज्यादा बच्चे हो तो इसकी वजह से उसने छोड़ दिया हो नहीं तो कोई वैसे मतलब कोई लीगल उसी से वैसे छोड़ दिया हो जो होने के बाद ये हो सकता है। माँ का दिल ऐसा हो सकता है कि बच्चे को टायर के नीचे रख सकती देख नहीं हो सकता है लेकिन हुआ है ना अभी। तो आप ये समाज को क्या संदेश देना हम तो इसके लिए अगेंस्ट है मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए अगर बच्चा हो भी गया है गलती से भी मतलब जो पाल भी नहीं सकता है आजकल बहुत संस्था है बच्चे को दे सकता है वहाँ पे नहीं है तो फिर कैसे भी हो पालना तो जरूरी है क्योंकि अगर पैदा किया है तो फिर तो पालना भी हुए पूरा हॉस्पिटल के स्टाफ इस बच्चे के पीछे लगे हुए हैं जो है कितनी सुंदर है कितनी खूबसूरत है जो इस बच्चे को सब प्यार कर रहे हैं जो है लड्डू खाने थोड़ा विजुअल ज्यादा करना पड़ता है।
ले जाएंगे।